हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मॉर्निंग फीवर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्या बियोसार वेजिटेशन, जिसे हम हमारे गेम के पेड़ पौधे होते हैं, वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये पिंक वाले वेजिटेशन चाहिए। मैंने आप लोगों से कुछ बंदों के कमेंट करे थे, रिप्लाई करा था कि मैं मोड पैक के बाद दे दूंगा, तो मैंने मोड पैक शेयर कर दिया। उसके बाद लीजिए आप लोग के लिए हाजिर है वेजिटेशन पिंक वाले, वो भी HD क्वालिटी के हैं। आपको फुल टेक्सचर मिलते हैं, कोई टेक्सचर ब्लर नहीं होंगे, फुल HD टेक्सचर है जो मैंने खुद ने बनाया है और आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसकी साइज़ लगभग 37 MB है, जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद लगभग हो जाती है 65 MB के आसपास की ओरिजिनल साइज है, जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद होती है। और काफ़ी HD क्वालिटी के टेक्सचर मिलेंगे आपको, कोई ब्लर इफेक्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा, तो प्लीज़ यह वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को देख लीजिए। आप में से 50% बंदे भी मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे ना, तो मेरे अच्छा वो टाइम मिल जाएगा। तो प्लीज़ यह वीडियो को स्किप मत करे करो। मैं चाहूँ तो आपको वीडियो को दो दो तीन तीन मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से ना ही मेरा फ़ायदा होगा ना ही आप लोगों का। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करोगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी लंबी वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो को देखे करो। मैं आपको फुल डिटेल बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार शेयर भी कर देना। और मैं वीडियो में बताऊंगा आपको इंस्टॉलेशन भी और पासवर्ड भी वीडियो में ही बताऊंगा, तो प्लीज़ यार देखते रहिए वीडियो को। सो लेट गो स्टार्ट। I can't stop the love we made. चलिए मैं आपको फटाफट इंस्टॉलेशन बता देता हूँ कैसे इनको इंस्टॉल करना अपने डिवाइस से। तो पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरा डाटा, 37 MB किसकी साइज है लगभग देख लीजिए, 37 MB। आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है, यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। पासवर्ड ध्यान से देख लीजिए, बाय रवि सभी स्मॉल वर्ड से, और आपको यहीं पर एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, कैंसिल कर दिया। ये देख लीजिए फाइल, इसकी साइज देख लीजिए, मैं आपको इसकी साइज भी दिखा देता हूँ। देख लीजिए 65 MB के आसपास की साइज थी। अब उसके अंदर जाना, आपको यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा, इसकी DAV फाइल्स। ये डाटा था, ये DAV फाइल्स है, बहुत सारी DAV फाइल्स है। तो इस काम में आपको ध्यान देना पड़ेगा टाइप गाइस, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये आपकी टेक्सचर्स है, विद अल्फा में जाएंगी सारे टेक्सचर्स, देख लीजिए सारे टेक्सचर विद अल्फा में जाएंगे। जो टेक्सचर मैंने विद अल्फा लिख रखा है वो सारे टेक्सचर विद अल्फा में जाएंगे, जो टेक्सचर विदाउट अल्फा लिख रखा है वो विदाउट अल्फा में जाएंगे। देख लीजिए सारे टेक्सचर विदाउट अल्फा में जाएंगे। अब आपको इम्पोर्ट कैसे करना है, पहले आपको सबसे पहले डाटा है ना, इसको कट कर लीजिए, डायरेक्ट इस फोल्डर को ही कट कर लीजिए डाटा नाम के। आपको अपने एंड्रॉयड के डाटा में जाना है, कॉम रोट रॉकस्टार GTS से फाइल्स के अंदर जाइए, और अंदर एक डाटा नाम का फोल्डर होगा, नहीं है तो क्रिएट कर लेना, मैंने कर रखा है तो ऑलरेडी ओवरराइट नहीं करना, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ मैं, कैंसिल कर दिया। अब बैक आते हैं, अब आपको टेक्सचर को इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले DAV फाइल्स को रिप्लेस कर लेते हैं हम अपना IMG टूल से। तो गूगल से, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आपको IMG टूल मिल जाएगा फ्री में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा GDIMG टूल, ओपन कर लीजिए।
gtc.img testdb gtc.img में ओपन कर लीजिए, ठीक है। एड फाइल्स विथ रिप्लेस पे क्लिक कीजिए और आपके सारी डेव फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी हमने एक्सट्रैक्ट की थी, उन सभी फाइल्स को आपको सेलेक्ट कर लीजिए। सारी की सारी डेव फाइल्स है आपको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारे एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, आपको ये करना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। वापस बैक आते हैं, अब आपको ये टेक्सचर को इम्पोर्ट करना है। विद अल्फा में जाएंगे, टेक्सचर देख लीजिए मैंने लिख रखा है। अब अपना टेक्सचर टूल ओपन कर लीजिए और ओपन के आइकन पे क्लिक कीजिए। अब ये कहाँ पे जाएंगे आपको, gtc.txt के अंदर, ओके। एंड्रॉइड डाटा कॉम रक्षा जीटीएस फाइल्स टेक्सटीवी और ये gtc.txt, ओके, इसके अंदर आपको ओपन करना है और फ्रॉम इमेज क्लिक कीजिए। विद अल्फा क्लिक कीजिए, विद अल्फा पे, और आपको सारे टेक्सचर जो हमने दे रखे हैं अभी आपने एक्स्ट्रा किए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। विद अल्फा सारे के सारे टेक्सचर सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारे जितने टेक्सचर है वो सारे के सारे आपको सेलेक्ट करने हैं। और ओवरराइड तो करना ही करना है, ओवरराइड जरूर करना, कैनन को डिसेबल रखना और रिड्यूस टेक्सचर साइज को भी डिसेबल रखना, इन दोनों चीज़ को ही इनेबल रखना, देख लीजिए ध्यान से और कर लेना। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आपको फिर वापस विदाउट अल्फा सेलेक्ट करना है फ्रॉम इमेजेस पे क्लिक करने के बाद। अब आपको विदाउट अल्फा वाले टेक्सचर को सेलेक्ट कर लीजिए, वीरे विदाउट अल्फा वाले टेक्सचर्स, इनको भी आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, इनको भी आपको ऐसे ही इंपोर्ट करना है। ओवरराइड करना है, कैनन को डिसेबल रख दीजिए और रिड्यूस टेक्सचर साइज को भी डिसेबल रख दीजिए। मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ इसलिए मैं नहीं करने वाला, आपको ज़रूर करना है तभी आपके टेक्सचर आएंगे आपके गेम के अंदर, ओके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।